हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। अभी हम गाजीपुर ज़िले के सुखदेवपुर नामक जगह पर आए हुए हैं। मेरे पीछे आपको एक रेल मार्ग दिखाई दे रहा होगा, जो कि पिलर पर ये रेल मार्ग गाजीपुर सिटी की तरफ जा रही है। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो इधर ये रेल मार्ग दिलदार नगर की तरफ चली जाएगी। तो हम आपको गाजीपुर सिटी दिलदार नगर रेल परियोजना दिखाएंगे कि ये रेल मार्ग अभी कितनी दूर तक बना हुआ है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको राइड के माध्यम से गाजीपुर सिटी दिलदार नगर रेल परियोजना जो पिलर पे बनाई जा रही है वो दिखा रहा हूँ। तो मेरे लेफ्ट साइड आप देखें, पिलर पे जो रेल मार्ग बना हुआ है, कितनी दूर तक बना हुआ है, कितने पिलरों पर ट्रस रख दिया गया है, ट्रस के अलावा और कितना ज़्यादा कार्य हुआ है, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई देगा। तो देख लें, सीधे गंगा नदी पड़ेंगी जिस पर गाजीपुर रेल कम रोड ब्रिज बनाया जा रहा है। तो राइट साइड आपको पिलर पर कुछ जगह छूटा हुआ दिख रहा है, उसे फ्यूचर में डबल रेल लाइन किया जाएगा, उसके लिए जगह छोड़ा गया है। तो दो पिलर दिख रहा है जिस पर एक ही पिलर पर ट्रस रखा हुआ आप लोग को दिख रहा होगा। अब हम NH 24 पर आ चुके हैं। मेरे लेफ्ट साइड गाजीपुर घाट रेल बाईपास का निर्माण किया जा रहा है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये रजागंज का क्षेत्र है, यहीं पर आके जो गाजीपुर घाट रेल बाईपास है गाजीपुर सिटी दिलदार नगर रेल परियोजना में जाकर मिल रही है। आगे भी चलते हैं, आपको सारा कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे कि कितनी तेजी से इस परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, हम राइड करते हुए वीर अब्दुल हमीद सेतु पर आ चुके हैं। ये रजागंज का क्षेत्र है, यहाँ पर गंगा नदी पर रेल कम रोड ब्रिज बनाया जा रहा है। ऊपर आप देख लें, रोड ब्रिज बनेगा जिसका जो रेलिंग है तैयार हो चुका है। नीचे जो रेल मार्ग है उसका पियर कैप देखें, वहाँ पर भी रेलिंग बनाई जा रही है। मैं अगर इस पिलर की बात करूं तो इस पियर कैप पे आप देखें रेलिंग बना दी गई है और पतली सी छोटी सी सीढ़ी बनाई गई है जो कि ट्रैक के तरफ जा रही है। इधर मेदिनीपुर का क्षेत्र पड़ेगा। अगर आप रजागंज से मेदिनीपुर की तरफ देखें तो ये पुल काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। आगे भी चलेंगे, देखेंगे कि क्या वर्क हुआ है। वैसे भी मैं बता दूँ कि अब गंगा नदी का जो वाटर लेवल है कम हो चुका है। आगे भी कुछ जो रोड मार्ग है, कहीं पे रेलिंग बना है, कहीं पे छूटा है, ऐसे करके पूरी तरह से अभी ये रेलिंग कंप्लीट नहीं है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों, हम राइड करते हुए मेदिनीपुर की तरफ आ चुके हैं। मेदिनीपुर से अगर रजागंज की तरफ देखें तो ये ब्रिज कितना शानदार दिख रहा है। और गंगा नदी को आप देखें तो वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। इधर पानी लगा हुआ था बाढ़ के समय और कुछ दिन पहले, लेकिन अब देख लें वाटर लेवल कम होते जा रहा है, तो जो रेत है अब दिखने शुरू हो गए हैं। इधर आप देखें मेदिनीपुर के साइड में जो रोड ब्रिज है, अभी इस साइड रेलिंग का निर्माण अभी हुआ नहीं है। जस्ट आगे की ओर देखें थोड़ी दूर से तो रजागंज की तरफ कंप्लीट ये रेलिंग बनी हुई दिख रही है। इस ट्रैक की तरफ आप देखें तो छोटी सी रेलिंग बनाई गई है और जो पिलर है, पिलर का जो पियर कैप है वहाँ पे भी रेलिंग बनाई गई है, एक छोटी सी सीढ़ी वहाँ भी बनाई गई है। मेदिनीपुर के साइड में जो रेल मार्ग दिलदार नगर की तरफ गया है तो देख लें वहाँ भी पिलर का कार्य चल रहा है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, वहाँ भी चलते हैं, आपको सारा कुछ वहाँ दिखाएंगे कि कितना कार्य हुआ है। दोस्तों, हम इस ऊँचे वाले स्थान पर गाजीपुर दिलदार नगर रेल परियोजना पर आ चुके हैं। ये मेदिनीपुर का क्षेत्र है। मेरे पीछे आप देखें गंगा नदी पर जो रेल कम रोड ब्रिज बनाया जा रहा था, सीधे वो रास्ता जा रहा है। ये आपको पिलर दिख रहा होगा, ये पिलर जो ऊपर रोड ब्रिज का है, नीचे जो है रेल मार्ग होगा। ये नीचे आप देख लें, बजरी डालकर इसे लेबलिंग कर दिया गया है। आगे जो रेल मार्ग है सोनवल होते हुए दिलदार नगर की तरफ चली जाएगी। देख ले, काफ़ी शानदार ये नज़ारा दिख रहा है इस रेल मार्ग का। ये जो आपको छोटे छोटे पिलर देख रहे हैं अभी ये निर्माणाधीन है,
अभी ये पिलर और ऊपर जाएंगे, ये रेल कम रोड ब्रिज का पिलर है, नीचे रेल चलेगी ऊपर रोड ब्रिज होगा। तो ऊपर से जो रोड ब्रिज होगा उसका पिलर जो है मेदिनीपुर तिराहा के पास ये स्लोप गिराई जाएगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितना कार्य हुआ है इस रेल मार्ग पर। दोस्तों हम राइट के माध्यम से गाजीपुर दिलदार नगर जो रेल परियोजना है उसे दिखा रहे हैं। इस रेल परियोजना के बाएं तरफ आप देखें तो NH24 है जो कि गाजीपुर से जमानिया सैयद राजा की तरफ वो NH24 चली जाती है। जस्ट NH24 के बगल में ही ये पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गाजीपुर रेल कम रोड ब्रिज का पिलर होगा। ये बेसिकली रोड ब्रिज का पिलर है। जिस रेल मार्ग पर हम राइड कर रहे हैं ये गाजीपुर दिलदार नगर रेल परियोजना है जिस पर अभी बजरी डालकर लेबलिंग कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इस पर बैलास्ट डाले जाएंगे, फिर ट्रैक बिछाई जाएगी। इस परियोजना पर काफ़ी तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। देख लें जो पिलर की हम बात कर रहे थे वो पिलर अभी यहीं तक बनी है और ये कर्व लेते हुए NH24 में जाकर ये पिलर मिल जाएगी। सामने आपको वीडियो में दिख रहा होगा, हम राइड करते हुए मेदिनीपुर गांव की तरफ आ चुके हैं। ये अभी जिस पर हम राइड कर रहे हैं ये अर्थ वर्क है, इसके आगे आप देखें पिलर वर्क शुरू हो गया है। दोस्तों हम राइड करते हुए मेदिनीपुर गांव की तरफ आ चुके हैं। ये गाजीपुर दिलदार नगर रेल परियोजना है जो कि अभी निर्माणाधीन है। मेरे पीछे आप देखें गंगा नदी पर रेल कम रोड ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि यहाँ से देखने में काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। पिलर वर्क देखें तो अभी कितना हुआ है इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा। इधर रेल मार्ग दिखाएं, अर्थ वर्क यहाँ पर आकर समाप्त हो गया है, आगे पिलर वर्क शुरू हो जाएगा। वहाँ पर गार्डर रख दिए गए हैं, गार्डर पर भी देख लें कंक्रीटिंग कर दी गई है, सीधे सोनवल होते हुए ट्रेनें दिलदार नगर की तरफ चली जाएंगी। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।